अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार अनुरोध है कि जो लोग लगा सकते हैं आजकल सबूत के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गई है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। तो आप अच्छे क्वालिटी का अगर किसी भी कैमरा लगाएंगे तो वो आपकी सुरक्षा भी रहेगी, आपके हाथ पड़ोस की सुरक्षा रहेगी। हमारे देश के लोग लगातार आपके साथ आते हैं, संपर्क करते हैं, तो अगर आपकी जानकारी में ऐसा कुछ घर है जो काफी लंबे समय से सुना है या आप स्वयं कहीं बाहर लंबे समय से जा रहे हैं या चार सभी लोगों का मिल रहा है जो यहाँ होता था हर गाँव में रक्त समिति की होती थी और उसकी गतिविधि थोड़ी रुकी हुई है। मेरा मैंने यहीं पे दो या तीन साल नहीं हो जाता था भारत है जो पहल ऐसे शामिल किया है, शायद आप लोगों ने पहले इस तरह की पहल अटल नहीं किया होगा। और अगर इस तरह से एसपी साहब की तरफ से पहल है तो आपको एक कदम नहीं दो कदम चलना है। सर ने जो साइबर फ्रॉड का जो बताया है अमूल बहुत समय है और इसमें लोग लिप्त हैं, जैसे कि सर ने बताया उसमें कार्रवाई होगी। अगर वो कार्रवाई होगी तो आज थोड़ा सा पता भी लगेगा कि भाई ऐसा मत करो, कौन देख रहा है किसी को पता नहीं। जिसको भी लगता है कि इसका शिकायत सर को भेजना चाहिए मैसेज से, व्हाट्सएप से, जैसे भी आप भेजना है भेजिए। और सर ने जो पहल किया है आप सभी से गुजारिश है कि आप दो कदम चलिए, जैसे कि जा रहे हैं तो कुछ बेसिक सावधानियां हैं अपने आस पड़ोस वालों को बता के जाएं कि भैया हम जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम अपन डेवलप कर सकते हैं कि आम जो ताले लगते हैं बाहर से देखने में स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे कि ताला लगा हुआ है पर वो घर लॉक रहे हैं, इस तरह के लॉक भी आते हैं अपने आस पड़ोस में जानकारी दें, थाने में जानकारी मिल करके आ रहे हैं कि आप तनाव में हो, लेकिन वो आपके फरियादी पर कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। और यह बात बिहार में काफ़ी गंभीरता से ली जाती है और इसके लिए हमारे यहाँ एक फीडबैक सिस्टम भी बना है। हमारे थाने में जो भी शिकायत का रजिस्टर होता है उस पर अलग से मेरे कार्यालय से और अधिकारियों कार्यालय से फोन जाता है कि भाई आपका कैसा व्यवहार था। कई बार पुलिस शिकायतें आती हैं उसकी जाँच रजिस्टर बैंक के अधिकारी करते हैं कि भाई हमारा व्यवहार किसी भी तरह की पुलिस शिकायत होती है। और बाकी किसी भी अन्य विभाग की तुलना में मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस चूँकि यूनिफॉर्म सर्विस है और एक अनुशासित विभाग है तो विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ भी सबसे ज़्यादा होती हैं, सबसे ज़्यादा सजाएं किसी नई थाना बेस्ट आए ग्रेड आए इसलिए सर के लिए जोरदार तालियां। और सर मेरे तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है सर कि कभी कभी उत्तेजना में आकर के परिवार में विवाद हो जाता है और ऐसी स्थिति वहाँ पे ये है कि चौकी एक खुल जाए तो आसपास के गांव में भी जाने का चार छः गाँव का है, जैसे अमरपुरा है, डोंगरिया है, इधर कानपुर है, खोखरिया है, तो एक चौकी चौकी से चौकी खुल जाए वहाँ पे तो सिया तरफ से या बांगर तरफ से कोई है सिया से संबंधित कोई बात हो या बांगर से संबंधित कोई बात कोई कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सर, ये हमारे यहाँ चौकी खुली हुई है उसमें वहाँ कुछ अभी बंद जैसी है वहाँ पे भी कोई व्यवस्था की जाए। पहले रहते थे अब कुछ सिया में वहाँ भी व्यवस्था की जाए कुछ, तो थोड़ा बहुत गतिविधियाँ हैं गुंडागिर्दी के लिए तो ज़्यादा कर दिया। रोड पे कटिंग वटिंग होती है उधर हम दस्त के दौरान उस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आपके आस पड़ोस में ऐसे वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनके साथ कोई रहने वाला देखभाल करने वाला नहीं है और वो अकेले रहते हैं, 60 साल से वरिष्ठ लोग हैं, तो इनके संबंध में जानकारी हमको नोट करें, हम थाने पैसे रजिस्टर संचालित करते हैं वरिष्ठ नागरिक। इसलिए यह था कि समय समय पर हमारे बीच अधिकारी जाकर उनसे संपर्क करते हैं ताकि उनसे कोई दिक्कत ना हो। तो उसमें क्या जो अपराधी तत्व के लोग होते हैं ऐसे लोगों को इजी टारगेट मान के उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस का उनसे लगातार कम्युनिकेशन बना रहता है तो ऐसे कई अपराधों को रोकने में हमको सहायता मिलती है। इसी बात को कहकर मैं विराम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे आप लोगों को हमारा जीवन सफर किसी प्रकार बना रहेगा और जिस प्रकार आपने आज अपने सुझाव और समस्याएं हमारे सामने रखी हैं इसी प्रकार से आगे भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन बुलाया और मेरे सामने ये चाकू जब्त किया या पिस्टल जब्त किया या चोरी का सामान उनके घर से जब्त किया तो उसका महत्व कहीं ज़्यादा होता है। तो हमको इसमें आगे बढ़ना चाहिए, हमको ये भी एक हमारी एक नागरिक के नाते जिम्मेदारी है। पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में गवाह को बहुत महत्व दिया गया है, अगर इंडिपेंडेंट गवाह इंडिपेंडेंट गवाह हर चीज़ में आता है, इंडिपेंडेंट गवाह आप लोग ही हैं। अगर एक व्यक्ति है वही 30 मामलों में गवाह बन रहा है, 50 मामलों में बन रहा है, तो फिर जज साहब के मन में कहीं ना कहीं शक होता है कि अरे खड्डा साहब का दोस्त होगा, किसी पुलिस वाले का दोस्त होगा,
जो ये कह वही कह रहा, वो दवा भी अलग बदमाश, दवा तो दवाई के डर से घायलों को हॉस्पिटल नहीं पहुँचाते। उस बात को लेकर पहले ही कानून संशोधन हो चुका है कि वो बयान देने के लिए बाध्य नहीं है अगर घायल व्यक्ति को पहुँचाता है। तो ये नया न्याय संहिता आ रहा है उसमें भी ऐसे लोगों को प्रमोट किया गया, सुरक्षा दिया गया है। ये तो एक तरफ की सारी इन्वेस्टिगेशन है, उससे बचना है तो प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छा है। गश्त करते सब लोग घर को देख रहे हैं किस तरीके से हम लोगों ने कुछ चीज़ें छोटा मोटा बनाई थी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के अंदर का डिस्कशन आया था। आगे बढ़ के फिर अध्यक्ष साहब ने और बाकी सब ने टेकअप किया, विषय बताया कि हम लोग आगे बढ़ के लगाएं। घर में अगर चार कैमरे लगे हैं तो प्लस टू सभी लोग कर दें, उनके रोड की तरफ दोनों डायरेक्शन में अपने कैमरे की स्थिति कर दें। इससे क्या होगा कि भविष्य में जब अब और शहर बढ़ेगा और जनसंख्या भी बढ़ेगी, अपराध भी बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोनों प्रपोर्शनल चलते हैं, उसी अनुपात में आते हो गई। जे जे एक्ट और प्रभावी रूप से पालन कराया जाता है, मतलब उसमें ऐसे प्रावधान है कि नाबालिग को पुलिस वर्दी में आप पकड़ नहीं सकते, थाने में ला भी नहीं सकते, बिल्कुल से प्रावधान है स्पष्ट। उसके लिए एक अलग स्पेशल जुवेनाइल यूनिट होती है धारा 63 जे एक्ट में, आप वहाँ ले जाकर वहाँ बैठाएँ कि जहाँ पर वो आराम से कैरम खेलेगा, बात करेगा, तब आप उसको कोर्ट में बाल अधिकारी माध्यम से हम लगातार अपनी वॉल्स बनाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो काम अभी कंट्रोल रूम में कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्रत्येक थाने पर उस एरिया की हम लोग वॉल बना सकते हैं। टीवी आप लोग डोनेट करेंगे, साजन डोनेट करेगा, CSR फंड से एजेंसी से लेंगे, लेकिन हम हर चीज़ पर लगातार निगाह रख पाएंगे। ये हम आइडियल स्थिति की तरफ इस तरीके से जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अध्यक्ष साहब की तरफ से आए, सरप्राइज चेकिंग, ऑर्डर चेकिंग जिसको बोलते हैं, कोई एरिया घेर कर, चाहे वो कोर्ट का एरिया हो, डीजे साहब की परमिशन के बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या स्कूल कॉलेजेस हैं या बसेस, तो उसमें लगातार चेकिंग क्या है कि अपराधी बस से ट्रैवल कर रहा है, बैठा हो कोर्ट से किसी एरिए से, यहाँ पर उतरा, वारदात करी और निकल गया। ऐसे ही सभी जगह होता है, इंदौर में होती तो धार से आते हैं, जो क्रिमिनल टाइप है, जो भी प्रोफेशनल तूफान गाड़ी से आए, बोलेरो गाड़ी से आए, इस तरीके की चेकिंग लगातार होना चाहिए। इसको हम लोग इम्पोर्टेंस कर ये कुछ लोगों निकल के आए थे। डीजे वाले पॉइंट पे हम लोग और सेंसिटाइज रहे, अभी शादी ब्याह में खूब डीजे तबीयत से बजे, अब क्या जब बारात चल रही हो या घर के आगे वो चल रहा हो, उस समय पुलिस या कोई कार्रवाई जो कि पुलिस को हमेशा ये लेना ही पड़ता है, लेकिन मना करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो इसके हम लोग एक सेंसिटाइजेशन, एक ड्राइव तो चलाते ही रहे, और हमेशा जहाँ पे बैठे उस बात को बोलते रहे। पर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, वकील और अन्य प्रोफेशन, अन्य एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग इसमें उपस्थित हुए। सभी ने बड़े सकारात्मक रूप से अपने सुझाव भी दिए हैं, जो बीट सिस्टम को किस तरह से हम लोग प्रभावी कर सकते हैं, बीट में जो जो समस्याएँ आ रही हैं उसके बारे में नोटिंग की गई है, ट्रैफिक के इशूज़ थे उसके बारे में नोटिंग की गई है, और अन्य जो गतिविधियाँ होती हैं, और शीघ्र ही हम इन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे और पुनः इनसे फीडबैक लेंगे और इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। मतलब ये कार्यक्रम होता रहेगा? हाँ, इस कार्यक्रम को हम, क्योंकि जनता से ही फीडबैक मिलना है, जो बिंदु अभी इसमें निर्धारित किए गए हैं उस पर कितना हम एग्जीक्यूट करते हैं, इस पुनः इनसे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आपका नाम? जयवीर सिंह भदौरिया, एडिशनल एसपी रेवास। ठीक, जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आपसे लोगों ने संवाद भी किया है और आपने भी संवाद किया था, सर क्या कहेंगे? आज देश के सभी थानों में जनसंवाद का आयोजन किया गया है माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के मार्गदर्शन में, और इसी तारतम्य में आज BMP थाने में आज जनसंवाद में शामिल हुआ, जहां पे नागरिकों के साथ काफ़ी जीवंत संवाद हुआ, जिसमें जो पुलिस की तरफ से अपेक्षाएँ हैं उसके संबंध में, साइबर फ्रॉड, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा के संबंध में चर्चा की गई, साथ ही साथ जनता की तरफ से भी कई सारे बहुमूल्य सुझाव दिए गए जिनको आगे लागू करने के लिए नोट किया गया।